झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज गुमला में सर्वजन पेंशन योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री जी ने लाभुकों को पेंशन का कागजात प्रदान किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब पेंशन के लाभुकों को प्रत्येक महीने 5 तारीख तक पेंशन का भुगतान होगा। इस दौरान लापरवाही बरतने वाले दंडित किए जाएंगे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हेलीपैड पर गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री जी ने इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड देश में सबसे बड़ा पिछड़ा राज्य है। यहाँ के लोग काफ़ी कठिनाई से जीवन यापन करते हैं। डबल इंजन की सरकार में हमने राज्य का कोना कोना घूमने का काम किया, जिसमें उन्होंने देखा कि डबल इंजन की सरकार में कितने लोग भूख से मर गए। उन दिनों की याद कर उनके रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार का उस दौरान उन्होंने सड़क से सदन तक पुरजोर विरोध किया। आभार करता हूं, नमस्कार करता हूं, आदाब करता हूं। बहुत गर्मी है, बिल्कुल इतनी भीषण गर्मी, सभी लोग थोड़ा परेशान भी हो, लेकिन आप लोगों ने आज इस कार्यक्रम में सभी ग्रामीणों को मैं अपने ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से जो मुझे लगता है कि झारखंड के लिए ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय, क्योंकि ये राज्य देश में आज सबसे पिछड़े राज्यों में से, यहां गरीब किसान मजदूर और यहां के लोग अपना जीवन को इतने कठिनाइयों से बिताते हैं कि जिसका बातों को रखना और भी तकलीफ हो जाता है। याद कीजिए खुटी का मामला, प्रजातंत्र है, लोगों का विरोध करना स्वाभाविक है, उनका अधिकार है, लेकिन पिछली सरकार ने क्या किया? 46-47 कांड केस करिए, देशद्रोह का आजाद भारत और आजाद झारखंड, उसमें देशद्रोही कहां से आ गया? इतने केस देशद्रोह का तो संभवतः बिरसा मुंडा जी के समय में भी नहीं हुआ था। मैं 2 बार गया, हेमंत जी भी गए, घूमे गांव गांव घूमे हम लोग उस समय। अब सरकार का रवैया अजीब लग रहा था कि अपने आदमी है, ये कुछ कारणों से। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।